कटोरी बाजरे का आटा लेंगे, उसमें एक कटोरी उबले हुए आलुओं को अच्छे से मैश कर डाल देंगे। आधा इंची अदरक का टुकड़ा घिस लिया है, दो हरी मिर्ची बारीक काट ली है, इनको भी इसी में डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच मोटी कुटी हुई मिर्ची डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़े थोड़े पानी के छींटे मारकर एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। पानी एक बार में सारा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े छींटे मारते जाएंगे। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने आटे को लगा लिया है, अब इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और आटे को चिकना कर लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब चकले पर ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा बेलन पे भी लगा लेना। अब चिकने हाथों से इसकी बॉल को बीच में से दबाकर हल्के हाथों से बेल लेना। थोड़ा मोटा सा बेल लेंगे, या तो पतला नहीं बेलना है, नहीं तो टूट जाएगी। हल्के हाथों से अब इन्हें गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे। अब इसे पुश कर देना नीचे को हल्के हाथों से, तो ये फूल जाएगी। अब इसे पलट देंगे। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी पूड़ियों को तल लेंगे। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे। मैंने इसी तरह सारी पूड़ियां बना ली हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।